अपने आप को तरने के लिए बाबा ने कहा कि, फिर बाबा ने दृश्य दिखाया कि जिस प्रकार कोई पानी में स्नान करता है, सागर या नदी किसी में भी, किसी को स्नान करना नहीं आता तो दूसरे को हाथ पकड़ के भी थोड़ा डुबकी लगवा देते हैं। कोई मजबूत पहलवान होता है तो दोनों हाथ से पकड़ के उसे डुबकी लगवाते हैं, क्योंकि आया है तो थोड़ा कम से कम पानी पे पांव डाले, ऐसी लोगों की भावना होती है। तो बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों को, चारों तरफ के बच्चों को यह देख रहे हैं कि बच्चे जहाँ से भी आए हैं, जिस स्टेट से भी आए हैं, ज्ञान सागर बाप के पास, ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए, रतन लेने के लिए बाबा ने कहा बाबा के घर में पहुँचे। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में जो कोई स्नान करना नहीं आता, डुबकी लगाना नहीं आता, उसको हाथ पकड़ के करते हैं, तो बाबा ने कहा उसी प्रकार संगम युग का समय हर ब्राह्मण बच्चे के लिए, कम से कम हर ब्राह्मण बच्चा एक नहीं तो पांच पांच आत्माओं को भी ऐसा ज्ञान के वाइब्रेशन देवे, उन्हें ज्ञान की डुबकी लगाना सिखाए। तो बाबा ने कहा तभी जो दुनिया में कहते हैं भव सागर से पार ले जाने वाला, तो बाबा ने कहा बाप तो है ही भव सागर से पार ले जाने वाला, पर आप मास्टर बच्चे भी भव सागर से अन्य आत्मा को ताड़ने वाले बच्चे हो। तो बाबा ने कहा कि इसलिए साकार में तो कईयों को आदत है ही, पर बाबा ने कहा कि बाबा के घर से इतना अपने आप को भरपूर, इतना शक्तिशाली बनाकर जाना है हर ब्राह्मण बच्चे को, जो अपनी अपनी जगह पर हर आत्माओं को, कम से कम पांच आत्माओं को भी, सारे साल में 10 आत्माओं को भी बाबा का संदेश देना है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बाप को पतित पावन भी कहते हैं, पार लगाने वाला भी कहते हैं, तो बाबा ने कहा आप बच्चे भी मास्टर तारनहार भी हो। तो बाबा ने संदेश इतना दिया, बाकी तो बाबा के सन्मुख कई आत्माओं की विशेष याद दी, बाबा ने भी उन्हें विशेष रूप से मर्ज करते बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा अच्छा है, यह स्थान भी विशेष सागर और नदी का, ब्रह्मा बाप का और शिव बाप का यादगार स्थान है। नदी और सागर का संगम होता है तो उसी प्रकार शिव बाबा बाप और ब्रह्मा बाप दोनों का यादगार स्थान होने के कारण इन स्थान के बच्चों को विशेष बाप दादा की याद भी उसी रीति से समाई होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो याद भी उसी रीति से जब समा के चले गए, तो बाबा ने कहा फिर तो एक पल हो ही जाएगी। ऐसे कहते विशेष फिर बाबा ने नेपाल के भाई बहनों को, ईस्टर्न जोन के भाई बहनों को, सभी को बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया, दिल का बहुत बहुत याद प्यार देते हुए सभी के प्रति फिर हम नीचे पहुँच गए। ओम शांति।